तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे और एक मैच के बारे में जो कि कल के मुकाबला है अफगानिस्तान T20 लीग के बारे में, जो कि सुबह को खेला जाएगा 9:30 बजे या 9:30 या शाम को खेला जाएगा मैच। कौन सा मैच बारे में बात कर रहा हूँ पता होगा, BED vs BDD के बीच में मैच खेला जाएगा कल। तो एक बहुत बड़ा मैच होता है आपके लिए, क्योंकि हेड टू हेड भी है यहाँ पे, 3 मेंबर्स लीग भी है और कल ग्रैंड लीग भी ऐड होंगे। तो आपको ग्रैंड लीग में टीम दिखाऊंगा, प्लस स्मॉल लीग में दिखाऊंगा, स्मॉल लीग में प्लेयर के दिखाऊंगा, ग्रैंड लीग में कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा प्लेयर छोड़ना है वो सब बता दूंगा। उसके हिसाब से आप टीम बनाएंगे थोड़ा अच्छा बनेगा, तो आपका विनिंग चांस भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। स्मॉल लीग में एक दो रिस्क लेना ले सकते हो आप, उसके वजह से आप विन कर सकते हो आसानी से और क्लीन स्वीप कर सकते हो। और 3 मेंबर 4 मेंबर्स अप टू 6 मेंबर तक भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट है, तो आप ज्वाइन करके आप आसानी से इजी से विन कर सकते हो। तो एक बहुत बड़े ऐप है लीग के साथ, तो हर मैच में आपको फ्री लीग मिलेगा, प्लस 100% बोनस लीग मिलेगा। और ताकि आपको बढ़िया सा विनिंग हो सकते है, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट लीगस में लेके आया है। तो ज़रूर जाके डाउनलोड कर लें आप लीगस ऐप गूगल में, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक बहुत बड़ा मैच होता है आपके लिए। चलो टीम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा प्लेयर लेना है कौन सा प्लेयर नहीं लेना है। तो उसके हिसाब से आप टीम बनाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, विन भी होगा और बहुत सारा अमाउंट आप भी विन कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे चलो बात करते हैं, यहाँ पे आपको लाइव टीम बना के दिखा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव आपको बताओ तो अच्छा लगेगा और आपको पता चला है कौन सा प्लेयर लेना है कौन सा प्लेयर नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले लेते हैं हसमतुल्ला शाहिद, ये बैटिंग सेशन में आते हैं। तो शाहिद का रिकॉर्ड लो, पिछले मैच में हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। 56 पिछले मैच में खेला था और उससे पहले 51 रन की पारी खेल कर रहे हैं, तो हर मैच में अच्छा खासा रन बना के आ रहे हैं। तो अब उनको जरूर कैप्टन गैंग में कैप्टन ट्राई करना, क्योंकि अच्छे पारी मार कर आपको मैं पॉइंट्स देकर आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। और नेक्स्ट है हसन स्किल, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, लास्ट 2 मैच खेला था और 2 ही मैच में अच्छा पारी खेल कर आया था। पिछले मैच तो फ्लॉप रहा था, सिर्फ 1 रन बना पाए थे, पर उससे पहले 76 रन की पारी खेल कर आया था एचएस के खिलाफ, और उससे पहले मैच में खेला था उन्होंने 25 रन की पारी खेल कर आया था। तो प्लेयर ओवरऑल गुड है, पिछले मैच सिर्फ फ्लॉप हुए थे पर अच्छे प्लेयर है, आप इनको जरूर ट्राई करना, एक थोड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए। और नेक्स्ट थे नवीन ओबीड, ये पिछले मैच में खेला था 25 रन की पारी खेल कर आया था, और उससे पहले मैंने 27 रन की पारी खेल कराया, तो हर मैच में कुछ ना कुछ रन बना के देते, तो इसलिए मेरे के साथ जा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप फरहान जाकिर या सादिकुल्ला पठान के साथ जाते हो, पर मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, तो इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ। आप उनका रिकॉर्ड देख लो, सादिकुल्ला पठान का सिर्फ 1 मैच में 22 बनाया था पर पिछले 2 मैच में फ्लॉप ही रहता, तो इसलिए मैं उनको, और अगर यहाँ पर फरहान जाकिर का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं तो इसलिए मैं उनको भी नहीं पिक कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क करने लेना चाहते हो तो उनको पिक कर सकते हो। अब तक के लिए ये 3 बैट्समैन रह गए। तो विकेट विशेष में अफजल जजा ही मस्त पिक रहेंगे, क्योंकि अच्छा पारी खेलते रह रहे हैं मैच में। आप देख सकते हो उनका रिकॉर्ड पिछले मैच है 35 पॉइंट देते, 2 रन बना के 2 स्टंप आउट किया था, तो विकेट भी पॉइंट देता, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आपकी मर्जी आप इनका इकराम अली खिल्ली के साथ जा सकते हो या मुनीर अहमद के साथ जा सकते हो, पर मैं अभी तक के लिए अफजल जजा के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सेफ पिक जा रहा हूँ क्योंकि एक सेफ टीम रहेगा ये स्मॉल लीग टीम। तो वाइज ऑलराउंडर से समय जरूर रहमान, करीम जन्नत, इब्राहिम साफ़ी और सिमुल्ला सिनवारी, देखेंगे सिमुल्ला सिनवारी लेना है नहीं, अब तक के लिए नहीं ले रहा हूँ, आगे देखेंगे, थोड़ा जरूर लेना जरूरत पड़ेगा तो ले लूँगा। तो वाइज ऑलराउंडर में जरूर रहमान, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच में आपको विकेट लेके जाता है, देख लो पिछले मैच में 1 मेडल और 3 विकेट लेके आया था, और उससे पहले 3 विकेट, और उससे पहले मैच उन्होंने देख सकते हो आप 1 विकेट 3 विकेट 1 मेडल और 3 विकेट, लास्ट 3 मैच में 3-3 विकेट लेकर आ रहा है प्लेयर। तो ओवरऑल प्लेयर बहुत बड़ा है, आप इनको स्मॉल लीग में छोड़ नहीं सकते, पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इनको ड्रॉप करने का, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, रिस्क काम करता है ग्रैंड लीग में, तो आप इनको ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो। पर मैं ग्रैंड लीग टीम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक स्मॉल लीग टीम है, इसलिए मैं जरूर रहमान को ले रहा हूँ। और नेक्स्ट करीम जन्नत तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके आता है, तो दोनों से पॉइंट देगा तो पिक करना जरूरी होगा। इनका रिकॉर्ड ले लो, पिछले मैच में 44 रन की पारी खेल कर आया था और विकेट नहीं लेते, सिर्फ डॉट बॉल किया था, और उससे पहले मैच में उन्होंने 40 रन की पारी खेल कर आया था प्लस 1 विकेट भी लेकर आया था, तो बंदा बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करता है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ।
आप इनको ग्रैंड लीग भी छोड़ सकते हो, क्योंकि एक मैच फ्लॉप हुआ था पूरी तरह, सिर्फ 10 रन बना पाया था, वो भी स्ट्राइक रेट की वजह से उनका माइनस पॉइंट हो गया था और बॉलिंग भी नहीं किया था। तो ओवरऑल प्लेयर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और नेक्स्ट इब्राहिम साफ़ी, एक यंग बैट्समैन है, यंग ऑलराउंडर है, हर मैच में विकेट लेके आता है। देख लो पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, और उससे पहले मैच भी 2 विकेट, तो हर मैच 1 या 2 विकेट लेके आता है, तो इसलिए मैं उनको पिक कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेकर उनको छोड़ भी सकते हो या स्मॉल लीग में उनको रिस्क लेकर कैप्टन बना सकते हो, पर अभी तक के लिए मैं टीम के इनके साथ जा रहा हूँ। तो अगर इस बॉलिंग सेशन में फाजल हक, अब्दुल रहमान, नौर अहमद के साथ जा रहा हूँ और निजात अहमद, ये रहेंगे मैं 4 बॉलर्स। मैं सैमुअल सिन्वर के साथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत बड़े है कुछ इंटरनेशनल मैच में, पर अभी तक के लिए उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पिछले मैच सिर्फ बैटिंग से पॉइंट दिया था, अब देख लो 72 रन की पारी खेल कर आया था, पर बॉलिंग में बुरी तरह पिटा था। तो एक प्लेयर बहुत बड़ा है, पर इनके ऊपर मैं रिस्क लेकर इनको छोड़ रहा हूँ, उनकी जगह मैं निजात मसूद के साथ जा रहा हूँ। मसूद भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो और एक प्लेयर बचेगा हमारे पास, इब्राहिम साफ़ी को लिया था मैं, सॉरी। तो इस बॉलिंग से मैं फजल हक को साथ जा रहा हूँ। फजल हक का रिकॉर्ड देख लो आप, पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लेकर आया था और उससे पहले मैच में उन्होंने 3 विकेट लेकर आया था। तो हर बंदा हर मैच विकेट लेकर आता, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और नेक्स्ट अब्दुल रहमान, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच 1-2 विकेट लेकर आता, तो पिछले मैच थोड़ा फ्लॉप रहे थे, विकेट नहीं लिया था, सिर्फ 2 रन बना के आए थे, पर उससे पहले मैच 1 विकेट, उससे पहले मैच देख सकते उन्होंने 4 विकेट लेकर आया था बंदा। तो प्लेयर ओवरऑल गुड है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नौर अहमद एक स्पिन बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है अफगानिस्तान का, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। हर मैच विकेट लेके जाता है, पिछले मैच 2 विकेट लेके गया था और उससे पहले 1 विकेट लेके गया था, तो हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट लेके जाता, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में निजात मसूद, मसूद पिछले मैच फ्लॉप हुआ था, अब उनका रिकॉर्ड देख लो, विकेट नहीं लिया था पर डॉट किया था 4 डॉट गोल, पर उससे पहले मैच 2 विकेट और उससे पहले मैच 1 विकेट, हर मैच विकेट लेके आया, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन में, कैप्टन मेरा जरूर रहमान रहेगा, वाइस कैप्टन करीम जन्नत रहेगा, एक स्मॉल टीम रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।